दोस्तों, इस समय आलू का मौसम है और आलू इस समय बाजार में बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ चिप्स बनाया जाए। तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने लिया है तकरीबन 1 kg आलू, जो साइज में बहुत काफ़ी बड़े बड़े से हैं। इन्हें मैं छील लूँगी। अब आलू आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए कि साइज में बड़े होने चाहिए। साइज में बड़े होंगे तो आपको काटने में भी आसान होगी और सुखाने में डालने में भी आपको बहुत आसान होगी। मेरे बच्चों को चिप्स बहुत पसंद है, मैं तो इतना सारा तल के और उन्हें दे दूँ तो वो सारे खा जाते हैं, तो बहुत प्यार से खा लेते हैं। और कोई गेस्ट आए तो झटपट वाला नाश्ता है इंसान हमेशा तैयार रखता है, तो इसीलिए इस मौसम में हर साल मैं ज़रूर बना कर रखती हूँ। आप भी बना कर रखा करिए, ये इंस्टेंट है और बहुत आराम से बन जाता है। ये आलू का चिप्स जो है वो मौसम में पूरे साल काम आता है। अगर आप एक बार बना कर रख लीजिए तो पूरे साल आपको काम आएगा और ये खराब भी नहीं होते हैं। सूखे हुए से होते हैं तो खराब भी नहीं होते हैं, तो आप जरूर से बना के इसे रखा करें। छिलके अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे अब हम लोग, ये ध्यान रखें कि आप इसे पानी में ही डुबो के रखें, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और इसके साथ ही हम इसको काटना शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो इसे भी काट सकते हैं, मोटे वाले से पतले वाले से, मैं दोनों तरह से काटती हूँ। आप आलू को ऐसे काटें, ऐसे नहीं काटें वरना चिप्स आपके छोटे छोटे बनेंगे। आप अगर ऐसे काटेंगे तो आपके चिप्स बड़े बड़े बनेंगे। इस तरीके से आप इसे काटेंगे तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। ना ही मोटे हैं ज़्यादा और ना ही ज़्यादा पतले हैं। इस तरीके से चिप्स बड़े बड़े साइज में बनके तैयार हुए। ये काटेंगे भी हम लोग पानी में ही, इसलिए कि ये काले ना पड़े। जो दाने वाले आते हैं, जैसे वो कौन सा लिस्ट आता है ना, या अंकल चिप्स आते हैं जो ऐसे वाले, तो ये इसको काटते हैं वो ऐसा आता है। अगर आप चिप्स को 1-2 घंटा पहले काट के पानी में छोड़ लेंगे तो थोड़े से टाइट टाइट से हो जाते हैं, तो ये उबालने में बहुत अच्छा होता है और टूटते भी नहीं हैं। आप अगर तुरंत उबाल के तुरंत उबालेंगे, काट के तुरंत उबालेंगे तो उस समय थोड़ी सी टूटती है, लेकिन जब आप पहले काट के छोड़ेंगे वो बहुत अच्छे से। मैं तो क्या करती हूँ कि रात को ही छिल के आलू छोड़ देती हूँ और सुबह में जल्दी काट के छोड़ देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए, इसके बाद मैं बनाती हूँ। तो ये वाला डिजाइन वाला, मेरे बच्चे कहते हैं डिजाइन वाला चिप्स। मैंने इसे आलू को अच्छी तरीके से धो के इसका सारा स्टार्च निकाल दिया है। ये स्टार्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर स्टार्च इसमें होगा तो ये काले पड़ जाएंगे। तो मैंने इसे बिल्कुल धो के साफ कर लिया है। पानी पानी उबलने वाला है, इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच जैसे नमक। और मैं जब बनाती हूँ कभी तो क्या करती हूँ कि व्रत के लिए भी चिप्स बना कर रखती हूँ, उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करती, तो व्रत के लिए भी मैं चिप्स बना कर रख लेती हूँ सुखा के अलग डब्बे में बंद करके। इसे बिल्कुल उबल ले देंगे, पानी बिल्कुल खोल गया है। इसमें डालेंगे, आज को आप तेज ही रखेंगे ताकि ये बॉयल आ जाए जल्दी से। बॉयल आने से ये बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल इसे कम नहीं करना है, आपको गैस को कम नहीं करना है। इसे धीमे हाथ से चलाते हुए, ऐसे टूटेगा तो मैं पीछे की तरफ से चला देती हूँ इसे। ये
देखिए अब ये बॉयल होने लगा है, बस इसको एक मिनट तक बॉयल होने देंगे। उबाल आ गई है, उबाल आने के बाद एक मिनट इसे बॉयल होने देंगे। ये आलू बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम लोग गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसे इस तरीके से छान के किसी जाली वाले बर्तन में रख देंगे तो जो भी पानी होगा ये निकल जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट हो गया है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से निकालना होगा कि टूटे नहीं। और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम लोग डाल देंगे कपड़े पे धूप में। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन हो जाएगा। कपड़ा बिछा देंगे, इसको दबा देंगे। मेरे यहाँ हवा बहुत तेज़ है तो मैंने कपड़े को दबाया है। इस तरीके से इसे फैलाना शुरू करेंगे। बहुत लोग इसमें खाने वाला रंग भी मिला लेते हैं लेकिन मुझे वो रंग बिना रंग की बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे चिप्सों को धूप में डाल दिया है। जो थोड़े थोड़े कहीं कहीं टूट जाते हैं तो उसको भी आप डाल दीजिए, वो लच्छे बहुत अच्छे बन जाते हैं उसके। इसे अब धूप में सूखने दूंगी। दोस्तों मैंने कहा था ना आज धूप बहुत तेज है, तो धूप बहुत अच्छी थी इसलिए हमारा चिप्स जो है एक ही दिन में बहुत अच्छा से सूख गया है। दो चार दाने हैं वो ही रह गए हैं, वरना सारे मतलब कि सूख गए हैं। ये बहुत अच्छे से सब सूख गया है, आवाज सुनिए आप। तो ये हमारे चिप्स जो है वो बिल्कुल सूख के तैयार है। घर में बने चीजों का रखने का मजा ही और होता है, जब मन किया इसे फ्राई किया। हमारे यहाँ तो परात में भर के मैं फ्राई करके देती हूँ, बच्चे बहुत मजे से खाते हैं। मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ, अब इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ ये कैसे होता है। इसके लिए मैंने तेल गरम कर रखा है, तेल बिल्कुल गरम कर रखा है मैंने। इसमें अब मैं चिप्स डाल रही हूँ। चिप्स को फ्राई कर लिए है, किया है। इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, लेकिन मैं चिली पाउडर डाल रही हूँ, मेरे पास चिली फ्लेक्स खत्म हो गया है इस समय में। चाट मसाले के साथ और लाल मिर्च के पाउडर के साथ या चिली फ्लेक्स के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी इसे ट्राई करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल बाजार वाले टेस्ट, अब बाजार वाले क्रंच आएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।